हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि प्रकाश टॉपिक के हम 100 क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें कि आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, दो पार्ट हो चुका और आज ये लास्ट पार्ट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने काउंट नहीं किए, 30 से ज़्यादा ही होंगे जाहिर सी बात है, और 100 से आई थिंक हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन देख लिए हैं आज की वीडियो को मिला के। तो बिल्कुल ये तो बात की पूरी गारंटी है कि अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में सामान्य विज्ञान जनरल साइंस आनी है और उसमें आपका लाइट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पुट अप होता है, अक्सर पूछा ही जाता है इस टॉपिक से, तो निश्चित रूप से इन्हीं सीरीज में से आएगा और अन्य नहीं आ सकता है, क्योंकि लगभग हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर किया है। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है, एग्जाम्पल्स अलग हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे हम। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है कैसा? वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक सीधा बड़ा, वास्तविक सीधा छोटा या अवास्तविक उल्टा छोटा। तो देखिए, पहली बात तो वास्तविक होता है, उल्टा बनता है, ये कल भी मैंने बताया था कि रेटिना पे जो इमेज है वो उल्टी बनती है। अगर कोई चीज़ ऐसी है तो वो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, ठीक है, और छोटी बनती है हमेशा, जाहिर सी बात है कि छोटी सी ही बनेगी। और जब ये सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है तो फिर से ये इन्वर्ट हो जाता है, तो इस वजह से ये जब दिमाग में पहुंचती है तो फिर से ये उल्टी हो जाती है, तो फिर से ये चीज़ उल्टी होगी तो ऐसे बन जाएगी। इसलिए हमें कोई चीज़ सीधी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उल्टा ही बनता है, छोटा बनता है और रियल इमेज होती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? एक प्लेन मिरर की न्यूनतम, कम से कम कितना ऊंचा एक शीशा होगा, आईना होगा, जिसमें एक व्यक्ति का पूरा सिर से पैर तक प्रतिबिंब दिख सकता है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई या व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। चलिए देख लेते हैं, अगर व्यक्ति की ऊंचाई की आधा भी ऊंचाई है शीशे की, कम से कम, ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम अगर इतनी भी है तो उसमें एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी क्या? देखिए, ये एक शीशा है और एक ये मिरर है, ठीक है, इसका फेस इधर है और ये इधर है, एक इंसान यहाँ पे बैठा है या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कुछ भी है, इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जाहिर सी बात है कि एक यहाँ बनेगा ही इस शीशे में, एक इस शीशे में बनेगा ही, और कितने बन सकते हैं? चार बनेंगे, एक बनेंगे, दो बनेगा, अनंत बनेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर डी, अनंत, यानी कि कोई भी इसका फिक्स्ड नहीं है, बहुत सारी बनेंगी, जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ तक बनेगी। और इसका जो बेस्ट और प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैलून्स वगैरह होते हैं, हालांकि जो लेडीज़ पार्लर होते हैं उनका जो इंटीरियर होता है थोड़ा अलग होता है, बट एक बेसिक जो स्ट्रक्चर चलता आया है सैलून्स का कि एक शीशा इधर लगा होता है, एक शीशा इधर लगा होता है, बीच में जो भी रहता है कस्टमर या जो भी बैठा रहता है उसको एक प्रतिबिंब यहाँ बनता है, फिर उसके पीछे एक बनता हुआ दिखता है पीछे वाले मिरर में, फिर उस पीछे वाले मिरर में सामने वाला मिरर दिखता है, उसमें एक प्रतिबिंब रहता है, फिर उसमें, और इस तरह से इनफाइनाइट, मतलब बहुत सारे, जितना आप देख सकते हो उतने ज़्यादा इमेजेस दिखाई पड़ती हैं, उतने ज़्यादा प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, ये इसका एक एग्जांपल है। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? सो फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। यस, तो देखिए ऊपर हमारा क्या क्वेश्चन था कि समांतर रखा हो, यानी कि ऐसे ऐसे ही रखा हो एकदम, तो उसमें जो है संख्या कितनी बन रही है, वो बन रही है आपकी अनंत। अब बात करते हैं, यहाँ पे कोई एक दे देगा आपको वैल्यू, दे देगा कि 90 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, किस अंश पे रखा है, इस अंश के कोण पे रखा हुआ है तो कितने जो है इमेजेस बनेंगे। तो उसके लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपका 360 डिग्री या अंश है बटे थीटा। तो थीटा इन द सेंस कि यहाँ पे जो भी पूछा हो क्वेश्चन में वो आपको नीचे रखना है, तो यहाँ 90 पूछा है तो हम 90 रखते हैं, -1, ये इसका जो है फॉर्मूला है, निकलेगा आपके कितने इमेजेस बनेंगे, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, उनकी संख्या। तो चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, ठीक है, तो हम ये काटते हैं तो ये आता है 4, और 4 में से जब हम 1 घटाते हैं तो कितना बनता है 3। तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी,
तीन बनेगा। अब इसी को आप चाहे यहाँ पे अलग अलग वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पे 45 अगर होगा तो कितना बनेगा, 60 अगर यहाँ लिखा रहे तो कितनी इमेजेस बनेंगी, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मेन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो बिल्कुल इसके लिए जो सही उत्तर होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जो किरणें एकत्रित करता है, अभिसारी जो एकत्रित करे। अपसारी क्या करता है, जाहिर सी बात है उसका अपोजिट हो जाएगा, तो अपसारी का काम किरणें फैलाना है, तो किरणें फैलाता है अपसारी और अभिसारी एकत्रित करता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किस चीज़ से, आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है जितने भी लोगों ने इसको गेस किया था। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है, घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म जो है, प्रिज्म सबने देखा होगा, इसे ये एक पिरामिड टाइप का कांच का होता है जिससे अगर लाइट गुजरती है तो क्या होता है, डिस्पर्स हो जाते हैं कलर जो है, अगर वाइट लाइट गुजरती है तो अलग अलग रंगों में वितरित हो जाती है। तो अभी आपको यहीं पे बताना है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाती क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो बिल्कुल उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट देखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं, क्यों। प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म की दो सतहों के पर किरणों का अपवर्तन होता है या विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा वही आपका ऑप्शन नंबर डी, कि अलग अलग रंगों का किरणों का विचलन जो है वो अलग अलग होता है, इस वजह से जो है वो रंगे हम रंग अलग अलग उसमें रेशों में निकलते हैं, अलग अलग पैथ से निकलते हुए में क्लियरली दिखाई पड़ते हैं कि हाँ ये डिफरेंट कलर की लाइट्स हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, जो वाइट कलर की लाइट होती है वो कितने रंगों से मिलकर बनी होती है। उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 रंगों से मिलकर बना होता है और वही जब प्रिज्म से गुजरता है, सफ़ेद रोशनी गुजरती है तो वह इन्हीं 7 रंगों में अलग अलग दिखाई पड़ती है हमें। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा, ये कल भी हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था, लाल, बैंगनी, पीला या आसमानी। तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग बैंगनी है और सबसे कम विचलित होने वाला रंग जो है लाल है, और इसका कारण, इसी के कारण ट्रैफिक लाइट में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ये हमने कल देखा था। जिन लोगों ने इसके पहले के दो सीरीज मिस कर दी हैं तो देख सकते हैं, विज्ञान नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें सब कुछ अवेलेबल है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा वर्ण विक्षेपण। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, हरा, पीला, लाल या नीला। कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है ये बताना है आपको। तो सही उत्तर होता है आपका क्वेश्चन नंबर 94 के लिए ऑप्शन नंबर बी, पीला जो है ये प्राथमिक रंगों में नहीं आता है, जनरली आपका हरा, लाल, नीला ये जो है मूल रंग या बेसिक कलर्स या प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह अवशोषित करता है, जिसे अवशोषित करता है, जिसे अपवर्तित करता है, जिसे परावर्तित करता है या जिसे प्रकीर्णित करता है। देखिए कोई भी रंग कलर की चीज़ है, मान लीजिए कोई लाल रंग की ड्रेस है, कोई भी काले रंग के हमारे बाल होते हैं, हमारे आसपास आपका फ़ोन किसी कलर का होगा, कुछ भी है, जो कुछ भी है, वो हमें उस रंग की क्यों दिखाई पड़ती है,
रोशनी, जाहिर सी बात है हमें कोई चीज़ कब नज़र आती है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है। प्रकाश अगर हम वाइट कहते हैं, वाइट कलर के प्रकाश की अगर बात कर लेते हैं, तो वो तो 7 रंगों से मिलकर बना है, फिर हमें वो रंग, वो चीज़ वस्तु उसी रंग की क्यों दिखाई पड़ती है? तो सही उत्तर इसका होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, परावर्तित करता है, जिसे रिफ्लेक्ट करता है वही रंग हमका हमें वो चीज़ दिखाई पड़ता है। अब रिफ्लेक्ट क्यों करता है, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये नीले रंग की कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, यहाँ पे बना लिया, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। नीले रंग की कोई वस्तु है, इसको बना लिया हमने नीले रंग का। अब इस पे क्या है, सफ़ेद रंग की लाइट पड़ रही है, सफ़ेद रंग की लाइट में क्या है, 7ों रंग है, तो जो रंग इस, अब इसको 7 रंग ही चाहिए, इसको 7 रंग ही चाहिए, तो इसमें 7 रंग की लाइट ऐसे पड़ी तो सारे रंगों को इसने अवशोषित कर लिया, सारे रंगों को अपने अंदर अवशोषित कर लिया। लेकिन क्योंकि नीले रंग का तो ये पहले से है, तो इसको नीले रंग की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, इसमें पहले से नीला रंग मौजूद है, तो नीले रंग की जो लाइट आई उसको ये अवशोषित ना करके रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी कि परावर्तित कर दिया, और वो रोशनी हमारी आँखों पर पड़ी, हमें वो वस्तु दिखी, और किस रंग की दिखी, जिस रंग की रोशनी को उसने, जिस रंग को उसने परावर्तित किया था। आया समझ में? तो अब ये जिस भी कलर की वस्तु होती है वो हमें उसी रंग की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि उस रंग की रोशनी को, उस रंग को वो अवशोषित नहीं करता है बल्कि रिफ्लेक्ट कर देता है, जो हमारी आंखों पे पड़ता है और हमें दिखाई पड़ता है। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरा, बैंगनी, काला या लाल? क्वेश्चन बहुत बेसिक लगता है, देख लीजिए SSC में पूछा गया है, तो लेवल जो क्वेश्चन का वही है कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका वर्क करेगा। आंसर सही होता है यहाँ पे, हरी रंग की पत्तियों को लाल रोशनी में रखने पर वो काली दिखाई पड़ेगी। लेट मी चेंज कलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियाँ होती हैं, कुछ वाहनों में एक्स्ट्रा येलो कलर की लाइट्स लगी होती हैं, ऐसा किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शंस पढ़ेंगे, बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखलाई देता है, पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है, पीला प्रकाश कोहरे को बेधता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है, पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता। तो यहाँ पे जो इसका साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि पीला प्रकाश कोहरे को जो है बेधता है, तो जब कोहरे वाली रातों में अगर चलनी है गाड़ी तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा आसानी हो जाती है कोहरे में। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? प्रकाश छिद्र, शटर, लेंस या फिल्म? वीडियो पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो फटाफट से सभी लोग लाइक करिए, लाइक में कंजूसी नहीं, उससे क्योंकि मोटिवेशन मिलता है हमें, तो मोटिवेट करिए प्लीज़। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा, हमारा एक और चैनल है जो कि अभी हमने स्टार्ट किया है, तो उसे भी सब्सक्राइब करके वहाँ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस वहीं पर होती हैं, उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिल्म, ये रेटिना की तरह कार्य करती है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या फिर समान मोटाई का? तो कैमरे में यूज होता है उत्तल लेंस। इसके अलावा भी कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ पढ़ी थी कि शेविंग करने वाले सैलून्स में कौन सा यूज़ होता है, डेंटिस्ट कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में जो है रियर मिरर जो होता है वो कौन से लेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल देख ली थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता में कमी क्या कहलाती है? प्रेस बायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया? बीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया, ठीक है, जो उम्र बढ़ने की वजह से ऐसा हो जाता है तो उसको ये कहते हैं। आयरिस का क्या काम होता है? आयरिस एक हमारे नेत्र का जो एक अंग हिस्सा है कह सकते हैं, ठीक है, उसका काम क्या होता है? आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना या इनमें से कोई नहीं? तो आयरिस का काम होता है लाइट कंट्रोलिंग का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये आयरिस का काम होता है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? अभी हम लोगों ने ऊपर ये चीज पढ़ी है तो फटाफट से बता दीजिए।
यस, बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आयरिस। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं या आई ट्रांसप्लांट होता है उस टाइम पे, कौन सा हिस्सा आंख का जो है वो प्रतिरूपित किया जाता है, लगाया जाता है, दूसरे को दान किया जाता है? कार्निया, लेंस, रेटिना या पूरी आंख ही? पूरी आंख को ही कर दिया जाता है या सिर्फ रेटिना, सिर्फ लेंस, सिर्फ कॉर्निया? 8th क्लास की ये बुक का है, पूरा समझ लीजिए। अगर NCERT आप पढ़ते हैं, CBSE की कोई किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ते हैं, तो बिल्कुल 8th क्लास में है ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर ये हाई लेवल एग्जाम्स तक पूछा जाता है। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑब्वियसली कॉर्निया। जब कभी भी आई ट्रांसप्लांट होता है, हम नेत्रदान करते हैं, तो कॉर्निया जो है सिर्फ वही दान किया जाता है, वही प्रतिरूपित किया जाता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है क्या? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, या ना ही नज़दीक और ना ही दूर की वस्तुओं को? आंसर करेक्ट होता है यहाँ पे आपका, नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से वो देख सकता है, लेकिन जो चीज़ें दूर है उसको देखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किस लेंस से? उत्तल से, अवतल से, सिलेंडरी, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से क्योर किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष जो है वो उत्तल लेंस से क्योर किया जाता है। वर्ण अंधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इस लेंस में से, किसी भी लेंस से इसको क्योर नहीं किया जा सकता है, जिसमें जिसको हम कहते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस, वो चीज है वर्ण अंधता। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? फोटो कैमरा का, आवर्धक लेंस का, संसुप्त सूक्ष्मदर्शी का, या दूरदर्शी का? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है आपका वो होता है ऑप्शन नंबर बी, आवर्धक लेंस का। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोटो कैमरा, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी? तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होता है वो था ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर दूरदर्शी? तो बेसिकली दूरदर्शी का यूज किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन, या ग्राहम बेल? सबको पता होगा ऑप्शन नंबर ए सही होता है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इस क्वेश्चन में ही आपको एक और क्वेश्चन मिल गया है कि किसने प्रकाश की गति को पहली बार मापा था, तो रोमर ने, और कब मापा था, फटाफट से बता दीजिए। उत्तर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1676 में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर, एपीडियोस्कोप, एरिस्कोप, या ऑडोमीटर? तो ये भी आपका है 7th-8th लेवल की बुक में ही है, लेकिन क्वेश्चन लेवल की अगर बात करते हैं तो देखिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप होता है, ये करते हैं पनडुब्बी में, ठीक है, कुछ इस ऐसे शेप इसका होता है, और इसमें ऐसे जो है लगे होते हैं शीशे, तो इस वजह से जब यहाँ पे आया प्रतिबिंब उसका बना, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बना, और यहाँ से हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। ये आज के क्वेश्चन थे, एंड आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाना डेली दोपहर को 3 बजे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, एंड बाय बाय।